मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला डिंडोरी जिले की उप तहसील मेदवानी में सामने आया है, जहां पर जेसीबी संचालकों ने नायब तहसीलदार नीलम श्रीवास पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस मामले की शिकायत कलेक्टर व एसपी से की है। संचालकों ने कहा कि नीलम श्रीवास राहुल सोनी नाम के दलाल के माध्यम से इस क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से अवैध वसूली कर रही हैं। मामले में दिलचस्प बात यह है कि जांच एजेंसियों व शिकायतों से बचने के लिए रिश्वत की रकम दूसरे जिलों के लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई जाती है और फिर उस रकम को वापस अपने अकाउंट में डलवा दिया जाता है। इसी मामले से जुड़े सागर के एक शख्स अखिलेश पांडे से जब मोबाइल पर बात की गई तो उसने बताया कि राहुल सोनी के कहने पर जेसीबी संचालक महबूब खान ने 2 मई की शाम को 40,000 रुपए ट्रांसफर किया था और उस रकम को उसने ठीक 17 मिनट बाद राहुल सोनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जेसीबी संचालक हरियाणा का रहने वाला है। 2 तारीख की बात है, शाम को मैं देख लो जी, कल की मेरी ईद है, 13 तारीख की लड़की की शादी भी है, मैं इसी वजह से ईद के चक्कर में घर भी नहीं गया। तो नहीं भाई देख लो, 1 लाख से कम में नहीं होगा। मैंने सर उससे रिक्वेस्ट किया, काफी रिक्वेस्ट की, उसके बाद चलो नेटवर्क में चलते हैं, तो नेटवर्क में मुझे लेकर गया। हालांकि चलते चलते बात हो गई, बात यहाँ तक कि वो 60,000 कहने लगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं होगा 60,000, मैं है ही नहीं, कहाँ से दूँ। मेरे पास मात्र 40,000 मेरे फोन में पड़ा था अकाउंट में। तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे पास केस दोगे के या ट्रांसफर करोगे। मैंने कहा मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, केस मेरे पास नहीं है। तो बोला ये नंबर है, अब वो पता नहीं अखिलेश पांडे के, जो मैंने फोन पे किया, अखिलेश पांडे नाम आ रहा है उसका, उस पर उन्हें फोन पे किया है मैंने 40,000 रुपया और 5,000 रुपया मैंने उसको राहुल सोनी को केस दिए हैं। तो बोले मैडम को मत बताना 5,000, ये 40,000 रुपया मैडम के हैं, इतने मैं मना लूंगा। हालांकि वो मानेगी नहीं, 60,000 रुपये से कम मानेगी नहीं, 1 लाख की डील थी। मैं 5,000 उनको केस दिया हूँ, 40,000 रुपया फोन पे पे राहुल सोनी द्वारा, पता नहीं अखिलेश पांडे का कोई नंबर था, उस पे कराया है। मैडम मैं रह रहे हैं डुलहरी, उधर से आया और पठौतिया से मशीन उठाई के ले जा, मेरे खेत में भर चार डंग कमारी, इसको बांधा पार को डलवा ली, तो बात नहीं बरसा की पूरी बोह जाएगी। तो हर इसे कौन ने शिकायत किया कि कैसा हुआ आज की मैडम, और 500 नामा बनाए कैसे पुलिस वालों को बुलाए, चलो गाड़ी जब्ती कर लो, ऐसे कहा ना कि थाने में गाड़ी खड़ी करवाई थी। आप अपना खेत बनवा रहे थे? हाँ खेत बनवाया। तो क्या बोल के बोलिए जब्ती करके, वो कहा उधर ले जाओ का, फिर गाड़ी मालिक से कितना पैसा में बात हुआ। महबूब खान के अलावा एक अन्य जेसीबी मालिक ने भी नायाब तहसीलदार नीलम श्रीवास्तव पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर एसपी से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मेरी जेसीबी मशीन को सुबह लेने डुमरा सिंह आया, बोले मेरे को जेसीबी मशीन चलाना है खेत में, थोड़ा सा मेड़ का काम कराना है। मैंने कहा ठीक है, ड्राइवर को बोला ले जाओ। इसके बाद ले गए, थोड़ी देर बाद में डीजल नहीं था उसमें, तो डीजल देने गया था वहीं पर, मैं भी खड़ा था। और इस समय उसी समय मैडम आई नीलम श्रीवासु तहसीलदार मेहरवानी, और बोलने लगी कि इसका मशीन है क्यों चला रहा है खेत में। हमने कहा हमारा मशीन है, तो हम वहीं खड़े रह गए। वो भी फिर वो वहाँ मशीन के पास जाके फोटो तो खींचने लगी, और इसके बाद इनसे बात हुई डुमरा सिंह से, और इसके बाद फिर रोड में आ गई। रोड में आने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपकी मशीन है, कहाँ मेरी मशीन है, तो आप क्यों चला रहा हो बगैर परमिशन। मैं कहा परमिशन नहीं है मैडम, खेतों में तो मशीनें चल सकती है, समतलीकरण हो सकता है। तुमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मशीन थाने ले चले। हम कहा ठीक है मैडम ले जाइए। मैं कहा नहीं मैडम, मैं कहा कि मैडम आप एक काम करिए, मशीन मत ले जाइए, अब खेतों का काम है उसको रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे साथ वो आए हैं क्या नाम से राहुल सोनी जी, उनसे आप बात कर लीजिए, मैं उनको बता देता हूँ। तो उन्होंने 50,000 रुपये का मांग किया था, बोले 50,000 रुपये आप दे दो मैडम के लिए और 10,000 हमको अलग से दे दें। तो हम मना कर दिया, बोले हम कहें आप मशीन ले जाओ, 50,000 रुपये कहाँ से देंगे। नहीं कल ये मेरे संज्ञान में आया है, कल शिकायत प्राप्त हुई है मेदवानी क्षेत्र में, और जज के अधिकारी के द्वारा 40,000 रुपयों का पेटीएम इसके माध्यम से पेमेंट आदि के संबंध में इसकी जांच विभिन्न पक्षों को और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, और जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। एसपी संजय सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, हालांकि अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डिंडोरी से दीपू सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।